सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, बहुत ही प्रेम से आप बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के कोने कोने में, पूरे देश में, नाम चर्चा घरों में, आश्रमों में, अन्य जगहों पर भी आप बैठे हुए हैं जो मीटिंग के तहत सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG के द्वारा भी आप सत्संग सुन रहे हैं। तो सभी इसी प्रकार जुड़े रहें प्रेम पूर्वक, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजी प्यारी सत्संग जी, जो भी सत्संगत, जो भी राम नाम के आशिक, जो भी आज राम नाम से जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, सब लोग लाइव भी हमें नजर आ रहे हो और यहाँ भी सेवादार बैठे हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत सत्कार करते हैं। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये महीना सच्चे साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी दाता का अवतार महीना है, अवतार माह है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। बात आती है डेरा सच्चा सौदा में, सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई, राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुन्दर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाजी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया, उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात, उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने यह समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे तो जरूर परमपिता परमात्मा को पा सकता है। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुद गर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह
इन चीजों में मोह ममता में बुरी तरह से पागल है, ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है, जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो, लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है, गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग से धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना ना कि तोड़ना। तो आज समाज में तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। किसी को सुखी देख लिया, उदाहरण दे रहे हैं आपको, यहां बैठे बहन भाई सुनेंगे, सामने बैठे साथ संगत में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे द्वारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा कोई होती, वो जरूर गीत गाते रहते, ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए आपके जरूर आएगा। अगर आप दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती, उसमें भी यही चीज चलती है, भाई बहनें बैठ के शादी हो गई उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा, या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी 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 है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो
अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कहता ना इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती है। उसने सोचा अब निंदा करनी करनी है, करूं तो कहां से करूं, अब स्तन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था अभी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहता यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाने है। देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है, मत पंगे ले दूसरों के साथ। दूसरों की बुराइयां गाएगा तेरे अंदर आएंगी, और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज नहीं स्वार्थ प्रेम करो, करके तो देखो। जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ। पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का, हमारे तो आगे मामा मामी फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो, और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी कि ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं। मुर्दा शमशान में जलता है, और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परमपिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम स्थान शास्त्र नाम जी एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है, आज के दौर में तो खास करके। चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो, बेटी बहन बहू कोई माँ सुंदर हो, हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो, तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है, कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बड़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिलने से रहा। एक ही भावना लेके चलो कि मैंने जीते जी और अंत तक समाज का भला करना है, राम जाने उसका काम जाने, बस। इंसान से कोई आशा ना रखो, उम्मीद ना रखो।
यहां तो मसाला है तो सारा कुछ है, मसाला नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम तो बकबका लगता है। तो ये सच्चाई है। अब बेपरवाह जी फरमाते थे, तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, ओए तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। कौन क्या कर रहा है, तूने क्या लेना है, क्यों बिचौलिया बन रहा है तू? अपनी सुधार, अपने घर यानी शरीर से, और अपना घर जिस मकान में रहता है वहां से बुराइयों का अंत कर दे, बुरी आदतों को बदल डाल। यकीन मान तू सुख शांति से जिएगा, यकीन मान परमानंद आएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में सत्संग जी, खास करके सेवादारों, कभी भी चिंता ना करो कि यार हम तो भलाई करते रहते हैं और लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग आदमी सिर्फ आदमी है, जैसा वो खुद है सामने वाले को वैसे ही बोलेगा, ये पक्का है। तो आप अगर कोई कुछ गलत कहे, हाथ जोड़ो, नम्रता से कन्नी खिसका जाओ। वो कहते ना, राड से बाढ़ अच्छी, राजस्थान में एक फेमस है वर्ड, राड से बाढ़ अच्छी, कि लड़ना झगड़ना नहीं, इससे अच्छा है वो अगर आपसे बहस कर रहा है तो खिसक जाओ, अपनी बाढ़ अपनी ओट में चले जाओ। लेना क्या है कि ठीक है भाई तू ही सही होगा, मुझे गलतफहमी होगी, और निकलो। अगर खड़े रहोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बर्बादी होगी दोनों तरफ की, तो क्या फायदा? साथ संगत सत्संगी को, मालिक के प्यारे को कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। घर में स्वस्थ बहस कर सकते हो आप। अब पूरे घर के लिए कोई काम करना है, पूरे घर के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो स्वस्थ परंपरा बना लो, आपस में एक स्वस्थ बहस करो कि ये ऐसा होगा, इसमें फिर ये नुकसान है, इसमें फिर ये फायदे हैं, और जिस कार्य में ज्यादा प्लस पॉइंट आए, ज्यादा फायदे हों, उसको कर डालो, तो आप यकीनन यकीनन सफल रहेंगे। बिना वजह की टेंशन आप लेते रहते हैं। प्यार किससे करते हो आप, दुनिया से या उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से? तो एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार करता है और उसकी बनाई रियाय, उसकी बनाई प्रजा से बहुत प्यार करता हो, उसकी सेवा करता है। तो फिर आप किसी आदमी के कहने से या अपने मन के कहने से बिदक जाते हैं, तो गलती आपकी है। अगर आपने पूर्ण संत सदगुरु को पा लिया है, उससे जुड़े हैं, उसकी भक्ति इबादत की भावना देख के, उसकी सच्चाई देख के, दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आप बिदको नहीं, वो रास्ता छोड़ो नहीं राम नाम का, बल्कि कोई गलत बोले, कुछ भी गलत कहे, कन्नी कतरा जाओ, अपना राम नाम में लगे रहो। किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना करो। बेगरज प्रेम करना, ये है सच्चा सौदा, बिना गरज के। अब ये अभी अभी गुरुमंत्र दिया, रोजाना हो रहा है, तो वहां हमारे जो बेटे बेटियां हैं, दिन रात एक कर रखा है कि नशा छुड़ाना है, क्या उनके खुद के औलाद है वो? जरा सोच के देखिए, क्या उनके बच्चे हैं? जी नहीं। पर उनको पता है ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के, जिसके हम हैं। तो हम राम नाम से सुखी हो गए, ये दुखी क्यों हैं? गुरु जी ने आह्वान किया है, हम दिन रात करके बुराई छुड़वाएंगे, दिन रात करके नशे छुड़वाएंगे। शाबाश ऐसे बच्चों को जो परवाह नहीं करते कोई क्या कह रहा है। तो वही शब्द, तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। कहने का मतलब, हमारा रास्ता है भक्ति का, हमारा रास्ता है राम नाम का, हमारा रास्ता है समाज से बुराइयां निकालने का। अगर हम डर के बैठ जाएं कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे।
ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। यह है सच्चा सौदा। यहां तो कोबरा भी आ जाए, उसकी बात आपको सुनाते हैं। साईं जी के समय मस्ताना जी धाम जो बन रहा था, तो उस समय वो एरिया जंगलात था। जगह मिल गई, सेवादार सेवा करने लगे, साईं जी वहीं बैठ जाते, साईं मस्ताना जी दाता रहबर। सेवादार भाग के आए, साईं जी कहते क्या हुआ बेटा? कहते यहां तो बड़े बिच्छू हैं। चलो बिच्छू छोड़ो, कोई बात नहीं, यहां तो कोबरा निकल रहे हैं। कहते बेटा धरती उनकी है, जगह उनकी है, आपा नए बसने आए हैं, तो इनको कुछ ना कहना। कहते साईं जी इसका काटा तो कहते पानी नहीं मांगता। कहते आप इसको कुछ ना मारना छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी का। वो दिन और आज का दिन साध संगत तो अच्छे से जानती है, कहीं भी और कोबरे निकलते, कहते ये तो निकलेंगे, इनकी धरती है। तो अब शास्त्र नाम जी आश्रम में यहां पे भी और वहां पे भी हर जगह कोबरे निकलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, पकड़ते हैं 20 लीटर में डाल देते हैं बोतल में और जंगलात में छोड़ आते हैं। या फिर बेपरवाजी के वचन हमने भी, दाता ने हमसे करवाए या उन्होंने बोले, एक ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने बोला कि जब भी कोई ऐसा सामने के लिए, हाथ जोड़ो और उसे नारा लगा दो, वो चला जाएगा। तो बहुत सी वहां रहने वाले बच्चों ने, बहुत सी साध संगत ने बताया कि गुरुजी ये सच है। हम जैसे वो आया आश्रम में से या कहीं से भी, कोबरा आसपास रहने वाले सेवादार बताते हैं कि हमने हाथ जोड़ के नारा लगाया, वो यूं फन था, फन नीचे किया और वापस बाहर चला गया। तो सच्चा सौदा में तो ये सिखाया जाता है, जीवों का भला करना, खूनदान करो, और रिसर्च के लिए बॉडी डोनेशन होती है, ताकि अच्छे से डॉक्टर बने, अच्छे बढ़िया वाले डॉक्टर बन के बाहर आए। रिसर्च के लिए यहां नहीं मिलती थी, अब बहुत बॉडी डोनेट होती है। जीते जी गुर्दा दान के प्रण करने वालों की हजारों में तादाद है, लगभग हमें लगता 50 से 55 हजार होंगे ये आंकड़ा। और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे सेवादार हैं, वो तो लाखों में है, और बल्कि कई तो ऐसे ऐसे फॉर्म भरने को तैयार हैं कि जी हम तो जीते जी एक आंख देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं भाई, फिर चला कि मरणोपरांत आंखें दान कर दो। आजकल क्या आप जानते हैं, अगर गुर्दा फेलियर हो जाए तो सगे भाई बहने मां बाप बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाते हैं कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। हमारे पास तो इतना आया कि उन्होंने गुर्दा दिया सत्संगियों ने, कौन है कहां उन्होंने वो लीगली कार्रवाई पूरी की है वो जानते हैं। तो हमारा बताने का मतलब, क्योंकि वो खड़े हुए थे और बताया गया था कि ऐसा हुआ है, तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर, क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं, इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते हैं, ना ना ना, हम तो उसके रहमो करम की बात करते हैं कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहने, तो वो जब उसकी मूसलाधार बरसा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। क्यों सेवादारो, जो सुन रहे हो सारे, क्या ये सच नहीं? हम कहते हैं कैमरामैन
उसको भी दिखा सकते हैं सामने लाइव पे सत्संग देखिए हाथ खड़े हैं जगह जगह तो हम तो आप हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई आपके साथ ही हैं हकीकत है ये अलग बात है हमारे पे एक अलग तरह की चीज आ रही है आप पे अलग तरह की आ रही है आपके लिए वो जरूरी है हमारे लिए सतगुरु ने जो कहा वो जरूरी है यहां तो आपको समुद्रों के समुद्र है यहां तो बेइंतहा है कुछ पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं वो तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे दया में रहमत से नवाजे हाथ नीचे कर ले तो ये आदमियों को पहले पता ही नहीं था कि आज गुरुजी क्या बोलेंगे और एकदम हाथ खड़े कर दिए कि ये टॉपिक आते ही क्या पता आप लोग ये सोचे इनको सिखा रखा होगा चलता है जी कहने वाले ने तो कह ही देना है चिंटी एक प्लास्टर की हुए कमरे पे घूम रही है तुसी प्लास्टर कह देने हो वैसे प्लास्टर या प्लास्टर होता है तो उसमें घूम रही है और वो ये नहीं देखने आई कितना स्मूथ कितना बढ़िया कारीगर ने काम कर रखा वो देखने है इसमें तरेड़ किधर है मैं घुस जाऊं आपको आगे भी सुनाया और राम नाम के भक्त कोई बुरा कर्म करते ही नहीं तरेड़ है ही नहीं चिंटी कितना ही घूमती फिर और ये आपको यकीन दिलाते हैं जब तक बेपरवाज ने काम लेना है शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो कर्म की श्वास की है भला करते थे कर रहे हैं और करते ही रहेंगे ये समाज हमारा था हमारा है हमारा ही रहेगा आप हमें गालियां देते रहो बुरा बोलते रहो पर हम आपको बेटा कहते थे बेटी कहते थे कहते हैं और कहते ही रहेंगे अपनी औलाद मानते थे मानते हैं और मानते ही रहेंगे क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकता तो जो चुपके चुपके देखने वालों बुरा ना मानना बेटा आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं वायदा करते हैं आप जो मर्जी गाली दो कोई वो आपकी फितरत है हमारी फितरत है आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श जितनी देर गाड़ी पे लगा दी तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता उस पर नाराज मत होना मेरे राम मेरे मालिक सो जब शांति हो गया जब धरती हो गई उस पर बोझ टैंक का आ जाए हाथी का आ जाए चाहे चींटी का आ जाए सो कहने का मतलब संत पीर फकीर एक धरती कुछ भी बोलता रहे कुछ भी कहता रहे उसने तो दुआएं ही देनी है सबका भला ही मांगना है फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही संत तो जोर लगा रहे इसकी वजह होती है बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं कई बुराई पे ही टिके होते उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद वहां चक्कर पड़ता है वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे फिर वो उबर उबर के आते हैं कि भाई कैसे रोकें इस बुराई को हम कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों हे भाइयों बहनों चाहे वो रेहड़ी है चाहे दुकान है या फिर गुपचुप वाला सौदा है चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो आपसे हाथ जोड़ के विनती है हम मालिक से प्रार्थना करेंगे आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए फिर क्या करोगे होता है बहुतों के साथ ऐसा तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो किसी के कहने से नहीं आपने जोड़ी अपनी भावना से अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है कैसा ये प्यार है और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है अच्छाई के लिए बोलता है तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है पर वो एक से करो
ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम सतगुरु से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ कि इसी पे ललायित हो गए। कई बार मां बाप परिवार में दो चार बच्चे हैं, अब दो बच्चे हैं या पांच बच्चे हैं, मान लीजिए पांच में से चार निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि वो चार निकम्मे हैं उनके लिए माँ बाप का दर्जा नहीं है। माँ बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है हमारे गुरु पीर पैगंबरों का, उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना, इन ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरु मंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। एक छोटी सी बात हमारे ख्याल में आई इसी बात पे, हमारे बाबूजी इंद्र सेन जी हुआ करते थे पहले, बेपरवा जी के समय से लेके अब पीछे तक, पीछे वो शरीर त्याग गए थे, उनकी एक बात याद आई। हाँ, हम उनसे पूछते, बड़ा हंसते रहते थे, मस्त मौला बंदा। तो हमने उनसे पूछा कि बेटा आप तो शायद वो SDO रहे थे शायद, या JE थे, जो भी उनका उसको छोड़ के आए थे तब परमपिता जी के समय, तो शायद वो मकान बनाना B&R या उसमें कहीं उनकी ड्यूटी रही होगी, ध्यान नहीं। लेकिन वो कहता, गुरुजी हमने सोचा कि यहाँ दीमक बहुत है, तो निकालते दीमक अगर आती कहाँ से, तो क्या हम धीरे धीरे खोदते गए, कहता इतनी बड़ी दीमक जो मेन बच्चे पैदा करती, कहता उसके मुंह में डाले जा रहा, कहता यूं करती और एक बच्चा वो जा, और कहता बच्चा थोड़ी देर यूं करता और फिर चल पड़ता है फिर से उसके लिए खाना लेने के लिए, है ना कमाल की बात। छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, यूं किया और ऐसे। तो आज जो पैदा हुए हैं हमारे राम नाम के बच्चे, जो आज जुड़े हैं अपने अल्लाह वाहेगुरु राम से, वो भी उस दीमक के बच्चे की तरह थोड़ी देर यूं किया और चल पड़ेंगे आप समाज सुधारने के लिए। हमें पूरा दर्द जगीना अपने बच्चों पे, उस राम अल्लाह वाहेगुरु के बच्चों पे। तो इसी तरह से और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए, ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है, जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड सारा संसार कुटुंब है, यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा और एक दशा कर दे, कि एक दिशा दे राम नाम की और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार हैं पूरी सासंगत, ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि सासंगत हमारी सारी हमारा परिवार है, ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है। अब हमारी ये औलाद 6 करोड़ पहुंच गई है संख्या, बाकी आप पिछली बात ही नहीं करते। तो पीछे जब हम 1 महीना आए थे, सारे के सारे ज्यों के त्यों जुड़ गए, जैसे चुंबक की तरफ लोहे के कण खींचे चले आते हैं। और आज वो जुड़े हुए हमारे बच्चे बड़ा गर्व है, पूरे समाज को सुधारने में लगे हुए हैं कि भाई कहां से नशा छुड़वाएं, बस उनका जुनून है। और उनके चेहरे पे असीम शांति देखो आप, जो सच्चे दिल से वचनों पे पक्के रह के दृढ़ यकीन के साथ सेवा करते दूसरों का नशा छुड़वाते हैं, उनके अंदर बाहर चेहरे पे नूर नूर होता है, और नूर से माला माल होते हैं, अंदर सरूर होता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साईं दाता रहबर की चर्चा और सच्चे सौदे का एम
कि नाम क्यों देते हैं और बेगर्ज प्यार क्या होता है, और ये नाम देने के बाद क्या हम कोई बढ़िया अपने आप को साबित करते हैं? जी नहीं, ना कोई हम बड़ा साबित करना चाहते हैं, ना कोई अलग से भोजन करने लगे हैं। आप पूछ लीजिएगा हमारे लांगरियों से, वही चटनी पहले खाया करते और वही चटनी आज खाते हैं। दाल सब्जी आप जो खाते हैं वो पहले खाया करते और वही आज खाते हैं। हाँ, पहले जब घर में रहा करते थे, गुरुजी ने गुरुगद्दी पे नहीं बुलाया था तो गेम खेलने का बहुत शौक था, तो घी वगैरह ज्यादा खा लिया करते थे। ये सच है, मक्खन घी उस समय ऑर्गेनिक खेती होती थी राजस्थान में उस समय, और गुरुगद्दी पे आने के बाद तो वही चटनी और वो चीज, ऐसा नहीं कि घी नहीं, क्या 5-10 ml पूरे दिन में, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज नॉर्मली भोजन, सात्विक भोजन, बहुत नाम मात्र नमक मिर्च होता है, वो हमें बहुत पसंद होता है। ज्यादा मिर्ची, ज्यादा नमक, अब कई बार सत्संग की कोई सेवादारी ले आता है कि गुरुजी खा लो, तो फिर हम थोड़ी सी कौर तोड़ के खा लेते कि उसका भी, वो भी खुश और आपा खा लिया, आपा भी खुश। पर वो फिर मिर्ची इतनी कहीं हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से डालते हैं, तो इसलिए, और कुछ नहीं है कि उन्होंने गलती वाली कोई बात नहीं होती। कहने का मतलब हम तो सात्विक ही भोजन लेते हैं, और अपने बच्चों को जो दिन रात सेवा करते रह के आश्रमों में या बाहर, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे सात्विक भोजन करना चाहिए, फिर देखो कैसे बॉडी बनती है और कैसे राम से प्यार बढ़ता है। हाँ बच्चे वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ सेवादारी हैं सारे, तो सबको बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। और वहाँ भी बहुत सेवादार बैठे हैं, शायद ये सरसा ही होगा हमें लगता है, शास्त्रनाम श्यामस्तान जी धाम सरसा, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, हाथ नीचे कर ले, मालिक अलग से खुशियां बख्शे सबको, दया में रहम से नवाजे। तो अब हाजिरी लगाते हैं जी उन जगहों की, साथ संगत बैठी है जो आज गुरु मंत्र का प्रोग्राम था। पहले जी तरंग बैंकेट हॉल गाजीपुर दिल्ली, जी दिल्ली वालों बहुत आशीर्वाद। आप नाच रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे हो बच्चों, रंग बिरंगी पगड़ियां पहनी हुई हैं और लंबे लंबे लठ ले रखे हैं और गुब्बारे हैं, बेटियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। सबको बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद। आराम से बैठ जाएं और पहले दो भाइयों की तरफ बात कर लें और फिर दो बहनें। जी बोलिए बेटा। हाँ बोलो जी। दिल्ली की सारी सतगुरुमत मैं समझ में दर का नारा कबूल करो जी। आशीर्वाद बेटा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दादी 2017 में आपने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कि फिजिकली एंड मेंटल हैंडिकैप को हम कैसे आयुर्वेद से उनका इलाज करवा सकते हैं, वे कैसे उनकी संभाल कर सकते हैं। दादी आप जी की प्रेरणा से लेके मैंने भी इसी से फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ को कोर्स किया, जिसकी वजह से पिताजी आज आप जी के बेटे को दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किया और पिताजी आने वाले 10 दिनों में जॉइनिंग है। पिताजी पिताजी आशीर्वाद बख्शो जी, पूरा आशीर्वाद बेटा, पूरा आशीर्वाद। पिताजी आप जी की राह पे चल के आप जी के बताए हुए बातों से मैं उनको अच्छे से अच्छे उनकी संभाल कर सकूं और पिताजी उनके घर में खुशियां दे सकूं। पिताजी आशीर्वाद दीजिए जी, आशीर्वाद। पिताजी एक बात छोटी सी कहनी थी आपको कि पिताजी सबके पिताजी कहते हैं, सबके कहते हैं कि मेरे पापा डॉक्टर, मेरे पापा टीचर, मेरे पापा एक्टर, मेरे पापा डायरेक्टर, पर पिताजी मेरे पापा तो ऑल इन वन है। पिताजी आप ये सब कैसे कर लेते हो बेटा? वाकई सच्ची बात है, हमें खुद भी अजूबा होता है कि एक इंसान इतने काम कैसे कर सकता है। तो कैसे का आपको जवाब देते हैं, हमारा कैसे के पीछे सारा कुछ है शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, उनकी रहमो करम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की कृपा उन्हीं के द्वारा आती है।
सो वो कृपा है, अदरवाइज हम एक इंसान जैसे आप हैं वही हैं, पर बाकी ये जो काम इतने हो जाते हैं वो उनकी कृपा कर रही। लोग कहते हैं मुझे तो चमत्कार चाहिए, क्या ये चमत्कार कम है कि एक आदमी हर कार्य अच्छा कर सकता है? आज भी हम स्टूडेंट हैं, आपको कोई भी अच्छा काम करते देखेंगे फौरन कर लेंगे, एग्रीकल्चर के तो, गाने बजाने का जो मर्जी आ जाए, कंप्यूटर का तो हालांकि इनमें हम इतना टाइम नहीं दे पाते लेकिन कर लेते हैं बहुत सारे काम, तो ये उसका रहमो कर्म राम की कृपा इसे कहते हैं, तो इसी वजह से होता है बेटा ये आशीर्वाद। हाँ एक भाई कोई और बात कर लो। हाँ जी हाँ जी बोलो। गुरु शिष्य कर रहे बात रूबरू, कितना मनमोहक दृश्य है, जीवन सफल हो जाए सुन के उसका, जब गुरु कह दे ये हमारा शिष्य है। पिताजी आप जी को बेपरवाह सामस्ताना जी महाराज के जन्म माँ की सारी साध संगत की तरफ से लख लख करोड़ करोड़ बधाई हो जी। जी बेटा आप सबको भी बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, और आपके ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं और रोटियां बन रही हैं और सब नजर आया, अच्छी बात है, अच्छी रंगोली सजा रखी है। आप बेटियों की बात करा दो, दो बेटियां बात कर लें। जी हाँ बेटा जी बैठ जाओ भाइयों, हाँ बोलो बेटा। कैमरामैन बहनों की दिखा दे बेटा जो बातें कर रही हैं, ये आप बाद में देख लेंगे बेटा। हाँ बेटिया बोलो बेटिया। आवाज कटने लगी बेटा, आवाज कट रही है पुत्र, आवाज नहीं आ रही ना बेटा, कट रही है आवाज। हाँ बोलो बेटा बोलो, कुछ कुछ आ रही है। हाँ माइक के पास मुंह करके बोलना बेटा। हाँ जी अब आ रही है, आ रही है बेटा आ रही है। जी बिल्कुल बेटा। एक क्वेश्चन करना था रिगार्डिंग है बेटा। एक क्वेश्चन करना था। हाँ बेटा पूछो पूछो बेटा। तो पिताजी जैसे आप जी ने अभी बजट अब ब्रेन पावर बढ़ाने, माइंड टेक बढ़ाने के हमें मतलब टंग ट्विस्टर या पजल्स करने चाहिए, तो क्या पिताजी हम वेद से अपने माइंड पावर, क्या हमारा वेद से भी माइंड पावर बढ़ता है, और क्या पिताजी आप जी ने बजट फरमाए थे एडवांस स्टडी के लिए यूपीएससी के लिए, तो क्या वेद उसके लिए हेल्पफुल हैं? जी बेटा आप क्योंकि आवाज बहुत कट रही है पुत्र, ये समझ नहीं पाए क्या आप स्टडी कौन सी करना चाहते हैं। वेद हर चीज में हेल्प करते हैं इसमें कोई शक नहीं, पर आप कौन सी स्टडी करना चाहते हैं, किस पे फोकस है आपका? यूपीएससी आईएससी सेवा। ओके आप बेटा कर सकते हैं, और पवित्र वेदों में आत्मबल कैसे बढ़ेगा ये चीज बताइए, और अगर आपके अंदर आत्मबल आ गया तो आप फिर मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी चुटकी में सॉल्व कर सकती हैं, तो हर तरह से राम का नाम और वेद साथ देते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। जी बेटा आशीर्वाद पुत्र। हाँ बेटिया मुंह पास रखना बेटा, आवाज कट रही है। आपकी बेटी विशाखा इंसा पूर्वी दिशा से। हाँ बेटा आपके लिए कुछ लाइन बोलनी है, इजाजत दी। हाँ बेटा जी बोलो पुत्र। जरूरतमंदों की मदद करके हमें सुकून है आया, भारत को नशा मुक्त बनाने का आपने बीड़ा है उठाया, आपके आह्वान से सेवादारों में भी जज्बा है आया, आशीर्वाद दीजिए हमसे जाए इस सेवा को निभाया, नशा मुक्त हो हमारा भारत और हो हर चेहरा मुस्कुराया। जी आशीर्वाद बेटा बहुत बढ़िया सुनाया पुत्र, आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटो,
केक है और लंगर भोजन है और हाँ उधर आवाज आ गई हलवा, वाह वाह, तो आशीर्वाद बेटा। और उधर से जलेबियाँ भी रख रखी हैं आपने, दाढ़ा तो सब प्रसाद बन गया बेटा। अब डेकोरेशन दिखा दे बेटा जी। हाँ वो देख लिया, बाद में खा लेना, कोई नहीं हटा ले कैमरा। हाँ जी शाबाश, बहुत सुंदर है डेकोरेशन भी, बहुत सुंदर कर रखी है। सो आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद कैमरा मैन भी अच्छा है भाई, बहुत समझदार, शाबाश बेटा आशीर्वाद। सर बच्चे भी बैठे हैं, सबको आशीर्वाद, बेटियाँ दिख रही हैं, बेटे दिख रहे हैं, सबको आशीर्वाद बेटा। तो अगला जगह जो है आसफाबाद फिरोजाबाद यूपी, आसफाबाद फिरोजाबाद यूपी। अजी वाह क्या साह संगत है, कितनी साह संगत बैठी हुई है। अच्छा उन्होंने दिखा भी दिया, गूगल से वहां पहुंचा दिया। वाह वाह नए रोज नई नई चीजें बढ़िया बढ़िया कर रहे हो आप बच्चों, शायद MSGIT विंग वाले ये भी कुछ दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर दिखाया है वहाँ का जो अभी आपने बताया आसफाबाद फिरोजाबाद में क्या क्या काम होता है साइड बाय साइड, वो चीज़ें दिखाई जा रही थी, कैसे वो चूड़ियाँ हैं या जो भी बनाया जा रहा था और लाख की या जिस भी चीज़ की बनाई जा रही, और वो काफ़ी आइटमें दिखाई गई। तो ये लगा भी रखी है इन्होंने अपने वहाँ पर भी, शायद उन चीज़ों को सजाया हुआ है काफ़ी। तो आशीर्वाद बेटा ये भी बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई आपने, कितना बढ़िया एक आइडिया आप लोग ले आते हो कि जिस एरिया में जाते हैं वहाँ ऐसा लगता है वहीं पहुँच गए। आज तो बहुत ही बढ़िया आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है कि जिस एरिया में सत्संग हो रहा है वो जगह किस लिए फेमस है, तो ये जगह फेमस होगी इन चीज़ों के लिए। तो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और बात कर लो बेटा, बहुत बड़ी तादाद है, कैमरा वर्क भी आपका बहुत अच्छा है पीछे तक, अगर हाँ ये जूम आप लेके जा रहे हैं, बहुत सा संगत हाँ जी हमने आपकी बात करी थी अभी। दूसरी बार पिताजी। हाँ जी बोलो। दूसरी बार पिताजी, 1 सितंबर 2009 में आप आए थे, तब भी 45,000 नए जीवों ने नाम डाल लिया था। जी जी, सतगुरु जी आप जी से विनती है कि इस क्षेत्र में हमारे बहुत ही ज्यादा नशा है, तो आपसे विनती करते हैं इसी फिरोजाबाद जिला पर आप रहमत बरसाए रखना। जी बेटा पूरा आशीर्वाद, हाँ वाकेश कोहाबाद में हमें अच्छी से याद है, बहुत सा संगत। और आज भी देखो आप कैमरा जो दिखा रहा है थोड़ा सा ऊपर लेके और बैक का सीन, हाँ जी, तो क्या जबरदस्त सा संगत बैठी हुई है। तब भी हम सत्संगे करने आए थे, तब भी बहुत सा संगत थी, आप सबको बहुत आशीर्वाद बच्चों, हमारे बेटे बेटियां खचा खच पंडाल भरा हुआ है। कितनी जगह है ये आपकी पिताजी? हमने अपने दादाजी के परम में 131 गरीब परिवारों को जर्सियां बांटने की व्यवस्था की है पिताजी, रहमत करना। जी आशीर्वाद जी, और अपने सिरसागंज से
चेयरमैन जी, सोनी सिवरे जी और माया एका माया चेयरमैन जी और अपने मेयर भी नूतन राठौर जी, पिताजी सतगुरु आपकी रहमत से पूरा ये नेतागढ़ जो है बहुत ही आपको बधाई दी है और पिताजी आपसे नामदान भी लिया है जी। इन सब का बहुत बहुत स्वागत सत्कार, पूरी सा संगत का स्वागत सत्कार। और इन जुम्मेवारों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्रों में एक चीज़ हमारी जरूर मानिएगा, हो सके तो ये नशा रूपी जो दैत्य है हमारे बचपन को, हमारी जवानी, बाल बच्चों को बर्बाद करने पे तुला है, तो आप अपने एरिया में इसको घुसने ना दें, घुस गया है तो छुड़ाने के लिए पूरी हिम्मत करें। तो आपके ट्रैफिक भी बहुत आया हुआ है, हमने एक बीच में जिक्र किया था कितनी जगह में साध संगत बैठी हुई है, कितने एकड़ है जगह, पता नहीं है बेटा, 20 एकड़, वाह जी वाह, आशीर्वाद। पिताजी हमें हिम्मत देना कि इस क्षेत्र से आपकी के चरणों में विनती करते हुए नशा को फाड़ कर फेंक दे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, दीनता से, नम्रता से, प्यार से आगे बढ़ना है और नशे रूपी देते हैं अपने आप ही भाग जाएगा जब हम इस तरह से समाज की बुराइयों को दूर करवाएंगे। तो सब मिलके जितने भी सज्जन आज जुम्मेवार भी आए हैं, वैसे तो सारी सत्संगत ही जुम्मेवार है हमारे लिए, लेकिन जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, भाई बहने आए हैं, वो अगर और साथ मिलके हिम्मत करेंगे तो ये ज़्यादा नशा और जल्दी छूटेगा। बहुत आशीर्वाद। दूसरा भाई बात कर लो। हाँ जी, जी बेटा, गुरुजी आपने यहाँ रहमत करके 3 बार यहाँ सत्संग फरमाया था, उसमें यहाँ के लाखों लोगों ने नशा छोड़ा था, नशा छोड़कर अपना जीवन सफल बनाया था। आज हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने रहमत करके, कृपा करके यहाँ पे सत्संग फरमाया है। मैं देख रहा हूँ गुरुजी कि इतने अधिक संख्या में लोग यहाँ नशा छोड़ने आए हैं। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी तादाद में लोग आए हैं यहाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि काफी संख्या में छोटे छोटे बच्चे नशे में सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, जिन्हें देखकर बहुत दुख होता है। गुरु जी वाकई में आपकी ये द्वारा चलाई गई नशा छोड़ो क्रांतिकारी रंग ला रही है, समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है गुरु जी। जी एक दिन में लाखों लोग आप जी के कहने से नशा छोड़ रहे हैं, यह क्रांतिकारी हमारे देश के लिए, खासकर हमारे युवाओं के लिए बहुत, हमारे देश के लिए बहुत बदलाव लेकर आ रही है। जी जी बहुत आशीर्वाद, ये मालिक की रहमत है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की, जिन्होंने कृपा करी है। और हमारे बेटे बड़े ही सुंदर लग रहे हो, आप पगड़ियाँ पहनी हुई हैं और बड़े अच्छे लग रहे हो सारे, दूर दराज तक सा संगत नजर आ रही है। तो अब आगे आप बात कर लें बहनों की तरफ, हमारी बेटियाँ वो भी बहुत आई हुई हैं, बच्चे भी बहुत आए हैं, भाई बहन सारे आए, बच्चों सारे नजर आ रहे हो, हाथों में गुब्बारे भी हैं, ये पीला गुब्बारा, और दूर दराज तक सारे नजर आ रहे हो बेटा, पीला है, हरा है, सफेद है, ऑरेंज शायद है, हमारा तिरंगे का रूप लिया हुआ है गुब्बारों ने। तो अब हमारी बेटियां बात करना चाहती हूँ, वो बेटियां बात कर लेंगी। हाँ बच्चों बोलो बेटा। तेरा ही आस्था पिताजी। हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। तो बसले नारा दे, तो बसले नारा
जी बेटा, पूरा आशीर्वाद, बहुत अच्छा सुनाया बेटा। और हमें आज भी याद है कि इसी एरिया में एक झोंपड़ी में हम गए थे, तो उन्होंने एक तुम्बी बनाई हुई थी कद्दू पे शायद ऐसा कुछ, तो एक झोंपड़ी बनी हुई थी बड़ी सुंदर सी। और उसके बाद हमने आश्रम में भी झोंपड़ी बनाने के लिए उन्हीं को बुलाया था, उसी एरिया में हमें याद आता है, नाम ख्याल में नहीं आ रहा उस भक्त जी का, रात शायद रुके थे या वहाँ सुबह गए थे, जरूर हमें याद है। खेतों में वो अलग से झोंपड़ी बनी हुई थी, बहुत ही दुनिया की नज़र में वो गरीब थे, पर हमारी नज़र में तो लगा कि वो राम के भक्त और मालिक से प्यार करने वाले, उससे अमीर कोई होता नहीं। तो वो आज भी याद रहा कि आपके एरिया में हम गए थे वो, और सिरसागंज और शिकोहाबाद इस एरिया में ही कहीं आगरा के पास ही था वो, तो ये भी शायद उसी एरिया में ही है, उसी लाइन में सत्संग करते करते आए थे, था वो गाँव का एरिया ही, कांचनपुर। हाँ, सिरसागंज वाले खड़े हैं वो भी बता रहे हैं, कांचनपुर आगरा। हाँ बेटा, तो वहाँ गए थे वो खेतों में, उन्होंने बड़ी प्यारी सी झोंपड़ी बना रखी थी कच्ची, ऊपर बेलें चढ़ी हुई थी, हमें याद आता है कि वो कद्दू या लौकी की बेल थी, और बड़ा वहाँ से उनसे कुछ लिया भी था और फिर उसको बुलाया भी था, और आश्रम में भी वैसी झोंपड़ी बनवाई थी, तो वो इतनी पसंद आई थी हमें, कच्ची, बिल्कुल कच्ची थी, तो बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके। और जी, अब पता नहीं वो सज्जन जी कहाँ हैं, तो आशीर्वाद तो आप पूछ के बता दें ये सिरसागंज वालों से कहाँ, अगर वो हैं क्या, ये तो अवतार सिंह और वो दूसरे क्या नाम थे, करतार सिंह। सिरसागंज वालों आप ही हो ना, करतार सिंह जी, क्योंकि उस समय सेवा में आगे थे सारे लोग, आप जी सारे बोल रहे हो, अब बताना उसके बारे में भी, क्योंकि वो सारी यादें ताज़ा होगी, वहाँ रुके थे और उसके बाद एक जगह अंधेरी भी आई थी और शायबान उड़ के एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे। पिताजी वो तेरा कंचनपुर गांव था। हाँ जी, जो आपने देखी थी तुम भी थे, जो उसने बचाया था वो बेचारा अंधा था। हाँ, बैठे थे वो पीढ़ी पे बैठा था, और फिर आपने जो बाहर उसके पेड़ लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े पत्ते थे उसके, आपने कही इसकी झोपड़ी सिरसा में बनेगी गेट पे तेरा वास पे। फिर जो है ना, वो हमने अपनी गाड़ी वाले की मेर से भेजी वो झोपड़ी के लिए, उसके पेड़ की डाली वहां गई, जड़ गई, वो आज भी वहां लगी हुई है। जी यही हम वो बच्चा तो हमें याद आया उसके। जी बेटा, बिल्कुल आशीर्वाद, बहुत खुशियां से कट रही है। जी की लगाई हुई है। जी, सारी साथ संगत बहुत सेवा कर रहे हो आप बेटा, सारे मिलके जितने भी सेवादार हो, जुम्मेवार हो, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। तो अब हमारी बेटी वो बात कर लेगी जो करना चाह रही थी। हाँ बेटा जी, आपकी बेटी डॉक्टर इंसान। हाँ बेटा, कन्या भ्रूण हत्या करते थे, बेटियों का कत्ल करवाते थे, पिताजी जब से आपने मुहिम चलाई तब से बेटियां बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी मेरे परिवार पर आप दया मेहर बच्चों पर बनाए रखना, पिताजी आशीर्वाद दो। पिताजी जी बेटा, बहुत आशीर्वाद पुत्र, बहुत आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियाँ दे। और ये आपने जो बेटी बचाओ वाला कहा, ये शायद 92 या 93 से शुरू हुआ था कि भाई भ्रूण हत्या नहीं करनी, और जो बेटियां ऐसी थी उनको हमने कहा था हमें दे दो, तो हमारी शाही बेटियां उन्हीं में से एक रूप है जो आज बड़े बड़े घरों में भी, बड़े का मतलब मालिक से प्यार करने वाले में बड़े रूप, और वैसे जो मालिक से ज़्यादा प्यार करते नेचुरली होता है कि घरों में भी खुशियाँ और आ जाती हैं, तो वो बच्चे आज वहाँ सेटल्ड हो रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती, पढ़ रहे हैं। सो मालिक खुशियाँ दे बेटा, सो आशीर्वाद सबको। अब आप प्रसाद दिखा दो भाई, साध संगत तो बहुत है, प्रसाद लेना सारी साध संगत। हाँ, कोई बना रखा है, केक है, और वो लड्डू है या पिनिया है, कुछ तो है, लंगर भोजन प्रसाद रख रखा है। सो आशीर्वाद बेटा, सारे ले लेना, मालिक बहुत खुशियां दे। बच्चों आराम से बैठ के लंगर भोजन ले लो बेटा, भगवान सबको खुशियां दे। सुमण करना जो आपको बताया, यकीन मानो 100% वो काम करेगा, बस आपका जाप करने की देर है। आशीर्वाद। तो सारी यादें ताज़ा हो गई, वो हम लोग जाया करते थे जंगलों में, रुका करते थे, लगभग 10-12 साल ये प्रोग्राम चलते रहे, तो जाके इतनी साथ संगत ने नशा छोड़ा है, और आज उन्होंने कहाँ से कहाँ गिनती पहुँचा दी है, तो वो टाइम था। आशीर्वाद,
आशीर्वाद। शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा जी, आवाज नहीं आ रही, आ गई आवाज। जी बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। साध संगत तो बहुत बड़ी तादाद में आई, नाम पे थोड़ी सी जोर कम लगाई, क्योंकि हमने सुना था कि सरसा के आसपास, वहां जो बताया था कि भाई, अब भी यहां बताया कि काफी नशा हो गया है, तो वहां थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाओ बच्चों। इस बार आज आपके बहुत कम लग रहे थे, जैसे आप साध संगत और जितने आप सेवादार हो, तो नशा ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करो। हमारे बेटे बेटियाँ जोर लगाओ बेटा जी। अब बाकी आप नाचे गाए बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो सारे सेवादार, बहुत आशीर्वाद। तो दो 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 भाइयों की तरफ, दो बहनों की तरफ जल्दी से बात कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। जसमेर इंसान 15 मेंबर ब्लॉक कल्याणनगर जिम्मेवार। हाँ बेटा। और सभी जिम्मेवार प्रत्याशी बात कर रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज के अवतार माह की आप जी को, सारी सृष्टि को बहुत बहुत लाखों बार अरबों बार बहुत बहुत बधाई हो पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा आप सबको भी। पिता जी थोड़ी हिम्मत देना बोलने की। हाँ बोलो बेटा। पिता जी जैसे ये नशा और बुराइयां बहुत बढ़ चुकी हैं, और पिता जी आपने बीड़ा उठाया नशा और बुराइयों छुड़ाने का, ये पिताजी बिल्कुल होएगा, अवश्य होएगा। और ब्लॉक कल्याण नगर के सेवादार बहन और भाई सभी बहुत जोर शोर से हिम्मत से लगे हुए हैं पिताजी, और रहमत करना के और हम उत्साह से और नए भाइयों को लेकर आए और नशा ज्यादा से ज्यादा छुड़ाए, पिताजी हिम्मत देना जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद पिता जी। एक लाइन जी। नाम ज्ञान तू हर एक नु बख्शदा है, प्रीत निम्रता सेवा दे गल कहने पौना है किसे किसे। जी बेटा बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। आपकी एक लाइन से याद आ गई, आपके वो कविराज कहाँ हैं जो कविता सुनाया करते हैं। सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिता गुरदीप डब वाली जी, शास्त्र नाम जी पुरा तो। पिता जी हाँ बेटा, भैन
ਰੂਹ ਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਲ ਸੰਗਤ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ। ਜਦ ਕਾਲ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਤਾ ਨਾ ਡੋਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਤਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰਮਾਰਥ ਲੇਖੇ, ਝੱਟ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਏ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਜਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ। ਸਿਜਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਟੀਓ ਕੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕੌਣ, ਹਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚਲ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਥਾ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੋਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਭੀ ਪੀਛੇ ਖੜਾ ਥਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਥਾ? ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਟਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨ ਦਾਦਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਤੋ ਅਬ ਬਹਿਨੋ ਕੀ ਤਰਫ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। हाँ बेटा, सिरसा जिला के सभी ब्लॉकों की तरफ से नारा मंजूर करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी एक बोली सुनानी है और एक बात करनी है। हाँ जी कर लो बेटा। जी पहले बोली सुना दूं? बस जो तेरा दिल करे बेटा। महा नवंबर खुशियां भरिया भागा देना लाया, महा नवंबर खुशियां भरिया भागा देना लाया, ऐसी मस्ती प्रेम तेरे विच सबनु मस्त बनाया, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਲਮ ਮੈਂ ਕਨਲਾਇਆ ਤੋ ਜਗਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੋ ਜਗਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੋ ਜਗਵਾਲੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਬ ਆਪ ਜੀ 1990 ਮੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੇ ਆਏ ਥੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1990 ਮੇ ਜਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਥੇ, ਤਬ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਾ ਬਰਥਡੇ ਯਾ ਬਰਥ ਮੰਥ ਆਪਨੇ ਕੈਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਆ ਥਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤਬ ਤੂੰ ਥੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬੇਟਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਬ ਮੈਂ 7 ਮੰਥ ਕੀ ਥੀ। ਕਿਤਨੇ ਕੀ? 7 ਮੰਥ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੋ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂ ਤੁਝੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਗੋਦ ਮੇ। ਹੈ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਤਬ ਗੋਦ ਮੇ। ਤੋ ਵਹੀ ਤੋ ਹਮ ਬਤਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਬਤਾ ਰਹੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਅਤਿ ਬੇਅੰਤਹਾ ਖੁਸ਼ ਥੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਮੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਕਾ ਐਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਥੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਅਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸੋ ਨਾ ਕਭੀ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਸਵਰੂਪ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਸੋ ਅਲਗ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਭੀ ਖਿਆਲ ਮੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਹੀਂ ਔਰ ਥਾ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮੇ ਆਇਆ ਤੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜਬ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪ ਬਤਾਓ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਬੇਟਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਮਾ ਹੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖੇਲ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਦੱਸਦੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਮੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਪਰਮ ਸੁਖ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਤੇ, ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਹਾਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਰਨਾਟਕਾ ਮੈਸੂਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਮਾਨ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਸਾਪੀਰਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨੀ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਵੀਡਨ ਨੇਪਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਬੀਆ ਕੁਵੈਤ UAE ਦੁਬਈ ਫਰਾਂਸ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਪੇਨ ਜਾਪਾਨ ਮੌਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਲਾਖੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਜੂਮ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਲਗਭਗ 200 ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਨਪੁਰ ਧਾਮ ਮਾਨਸਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਨ ਫੁੱਲ ਖੱਜਾ ਖੱਜ ਭਰ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ 20 acres ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ 10-10 kilometers ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ DO ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣੀ ਬਾਗੋ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 30 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਾਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੈਂਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ 90% ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸੈਂਸਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਵ ਹੈ, ਦੈਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। 10 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਓਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
कि चाहे कैंप लवाओ उन्हों का इलाज करवाओ हर चीज़ नाल तुहाडे नाल है ये जिम्मेवार सेवादार खड़े तुसी मिलियो पिंड पिंड च आपां तां कैंप ला लांगे मिल के जो तुसी सारे नाल चलोगे हो ही नहीं सकता वो तुहाडी औलाद नहीं वो साडी भी औलाद है क्योंकि वाहिगुरू की जिहड़ी औलाद है वह संत की औलाद पहला हो जाती है सो इसे का दर्द साढ़े अंदर है कि कितने यह जहा भी टाइम से जो पंजाब की जवानी गेमां च सब तो नंबर वन होंदी सी ऐसी भी जवानी सी सिख रेजीमेंट च फौजी पंजाब तो ज़्यादा जाया करते सन पर हुण हरियाणा तो ज़्यादा जा रहे हैं साढ़े को एक अंकड़ा आया सी बड़ा दर्द होया ये नहीं कहते कि हरियाणा अगे क्यों निकलिया पर दर्द इस गल का है कि कारण की है उस चीज़ का वो कारण है ये जिहड़ा चिट्टा गंदा नशा आया है या जो भी नशे कर रहे बच्चे वो कारण बर्बाद हो रहे हैं तो बिल्कुल तुहाडे नाल हमेशा सेवादार जो खड़े जिम्मेवार ध्यान दिओ भाई जी जिन्हें भी बच्चे बैठे साढ़े बेटे सो वो इन दे नाल मिल के आपां ये कैंप वगैरह जिदा जिम्मेवार लोग कहणगे आपां उन्हां दा साथ देना है हर तरीके नाल रब दा नां तां असीं दे ही दित्ता और बाकी मालक रहमत करे अरदास है जी होर कोई गल तां नहीं रहेगी तुहाडी उधर जो गल कर रही सी हाँ जी बहुत ही धन्यवाद बाबा जी थोड़ा इस कैंप लाउण ते जां साडे अस पूरी सहयोग देवांगे सारी पंचायत और सारे पिंड ही सारे नाल ही लगन बहुत अच्छी गल सारियां पंचायतां जो भी आए हो तुसीं जरूर साथ देवांगे हर हाल जिद्दां भी हो सकेगा जो तो आपां सारे मिल के करांगे तो बच्चे किद्दां नहीं बचणगे नशे तो धन्यवाद जी जी आशीर्वाद जी परमात्मा रहमत करे हाँ बेटियां वाले पासे बेटियां कुछ हाँ जी बोलो बेटा जी आशीर्वाद हाँ जी मेरी पोती के नी रही थी तो तुरिया जानदा नहीं थी ये तो नी रही थी थों डिग जानदी थी पिछले हफ्ते नाम दवाया थोड़ी ऐसी रहम तो होई मेरी पोती आज मेरे बराबर खड़ी है तुरके आई है वाह बेटा वाह वाह बेटा जी हाँ बिटिया ठीक है ना तुम हाँ बेटा हाँ आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद पुत्र तो कह रहे बिल्कुल चलिया नहीं जाता सी और अज चल के आई परमात्मा इदा ही तेन बेटा तेरे कदमा तेरे अच्छा रखे और मालक रहमत करे कि तू बहुत अच्छी बेटी बने आशीर्वाद बेटा वाहिगुरु अगे अरदास कर दे और तुहानू तो आशीर्वाद कहने पुत्र जी आशीर्वाद हाँ बेटा हाँ पुत्र हाँ बेटा हाँ बेटा बोलो पुत्र सब परम पिता परमात्मा वाहिगुरु की रहमत है बेटा जो बंदा उसते दृढ़ यकीन रखता है मालको दी जरूर सुनता है पुत्र जी हाँ बेटियां साग कट रही हैं बिच बिच दिखा रहे बड़ा अच्छा लग रहा है बेटियो दात नाल साग कट्टी जाने हो और कुंडा घोटा भी खड़की जाता है और छज भी चली जाती है और कुछ दाने जी भी चुनी जाने तुसी पुरातन विरसा जिहड़ा साडा है बड़ा ही रिच बड़ा ही मशहूर है चूल्हे दी रोटियां भी बनी हैं और है नाले वगैरह बुने जा रहे हो तुसी और मठियां है पुरातन चीज़ां दिख रही हैं मठियां गुलगुले तड़का भी लाता या कुछ दाने भुनी जाते शायद दाने भुन रहे हो तुसी सो बहुत अच्छा लगे पुत्र बहुत सुंदर हाँ गोभी दे फुल रखी बैठे हो और बहुत ही अच्छा बेटा लालटन जिहड़ा अजकल बच्चे जानते नहीं होने और आ मधाणी शायद मधाणी ते भी कलाकारी पूरी कर रखी है बेचारी एड्डी वड्डी सी बच्चों का कद घट गया मदानी का भी घट गया वह भी कहती मैं भी वड्डी नहीं होना क्योंकि बड़े तो वड्डी चलाते हूँ छोटे वाले छोटी वधी आराम नाल है ठीक है बेटा जी यारी जट की दूध का मोछा अगला लाइन लिखी नहीं कदे नहीं बचालों टुटता शायद कैमरा मैन दिखा नहीं रहा ज लिखी नहीं जी बेटा जी आशीर्वाद बच्चों नौजवानों आशीर्वाद पुत्र हाँ सारे नज़र आ रहे हो बेटा जी बहुत सत्कार जी आया सो सारी साध संगत नू बहुत आशीर्वाद हाँ जी हुण तुसी दिखा दो बेटा एक भैन होर गल कर लूगी शायद कर चुके हो तुसी दो ओके दोनों कर चुके हो बेटा सो तुहाडे जो भी प्रसाद रख्या होया बेटिया ने जागो कढ़ी हुई है बहुत ही सुंदर लग रहे हो पुत्र और जागो वाला लठ भी नज़र आ रहे पुराने टाइम तो इन्हों बड़ा कुछ करते होंगे सी कल्चर ही सी इस तरह की सभ्यता सी हाँ बहुत साध संगत है
ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਖਵਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਜ ਸੱਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਡੂੰਬਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਨਿਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਘਾ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾਨ, ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ, ਮਹਾਂਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 12,500-1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜੋੜ ਮਾਲ ਡਾਲਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਗਿਨੈਸ ਬਿਲ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਦਾਤਾ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨਤਾ ਨਮਰਤਾ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਕਭੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਲੁੱਟੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। और जिनके 3-4 महीनों में शादियां हुई हैं बीच में, और या उनके बच्चे आए हैं, किसी के छोटा बच्चा हुआ है, तो उन सबको खड़े हो जाएं बेटा, सबको आशीर्वाद। आज से सोचना हमारे सामने आपका हार डल गया, और छोटे बच्चे आए हैं, आपसे भी अच्छे इंसान बने, भक्त बने, मालिक से प्रार्थना है। और उन बच्चों को आशीर्वाद, प्रसाद दे देना। और किताबें 3 जो हमने निकाल दी हैं, बुक का नाम गेस व्हाट्स माई नेम, वो आप ले सकते हो जी, वो कितों भी खोल सकते हो, और 2 पेजां ते जिद्दां भी इनाम आउंदे कोई भी रख सकते हो, आशीर्वाद बेटा। बाकी नए कम लई, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी कपड़े, हार, जन्मदिन के लिए, विदेश जाने के लिए, तो सबको आशीर्वाद है बेटा। विदेश जाना है, यहाँ मिल के जाना, वचनों पर पके रहना, मालिक हर जगह है, कानूनी तौर पर जाना, मालिक साथ दे। नारा लगा के बैठ जाए जी, प्रसाद लेना सब लोग। विदेशों से आए हैं वो खड़े हो जाए बेटा, जो विदेशों से आए हैं बेटा, यहाँ से भी आप लोग आए हैं, सामने भी शायद आए होंगे, तो सबको आशीर्वाद, उन साध संगत को भी आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियाँ दे। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। और समितियों के सेवादार जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई वो जाना चाहते हैं, नए सेवादार आ जाते हैं, सो खड़े हो जाएं बेटा, प्रसाद ले जाना, घर में खुशी का संदेश देना, मालिक खुशियाँ बख्शे, और प्रसाद लेके जाना, जितनी सेवा करते उसे कई गुना बढ़ के मालिक झोलियां भरे, सबको आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए बेटा। किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो आप मेडिकली रिपोर्ट करवाएं बेटा, रिपोर्टों में कमी है तो सुमन करके दवा लें, और
फिर भी ठीक नहीं हो, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाएं, फिर दवा लें, अगर नॉर्मल हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके घर में खुशियां जरूर दें जी। सो आशीर्वाद। और परिवार में कोई चला गया है, चोड़ा छोड़ गया है, तो परिवार वाले खड़े हो जाएं। सो बेटा, जिसने राम नाम लिया होता है, राम नाम से जुड़े होते हैं, वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। सो मालिक आपको झेलने की ताकत दे, हिम्मत दे। अस्थियां अगर लेके आए तो अपने खेत में या घर के आंगन में इसको दबाएं, इस पर पेड़ लगाएं, तो वो मरने के बाद भी परमार्थ करते रहेंगे और आपके घरों में खुशियां आती रहेंगी। सो मालिक ताकत दे, नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग पक्की समितियां MSGIT विंग में यूथ का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार यहां भी आए हैं, तो खड़े हो जाए और बाहर भी, तो नारा लगा के बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। नाम दर्ज करवा लेना बेटा। आर्मी पुलिस से जो सेवादार आए हैं, प्रमोद जी हिमाचल, बलबीर सिंह जी छत्तीसगढ़, कोमल गुरुग्राम, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत स्वागत आपका और सैल्यूट सबको, क्योंकि आप लोग जागते हैं तभी समाज चैन की नींद सोता है। सो आशीर्वाद बेटा जी, प्रसाद अलग से ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ जी। सिंगापुर की सात संगत को 2017 से 2022 तक खून दान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सिंगापुर रेड क्रॉस सोसाइटी ने अप्रिशिएशन लेटर देकर सम्मानित किया है। सात संगत ऑनलाइन बैठी है, सिंगापुर वालों बहुत आशीर्वाद बेटा, शाबाश, बहुत नेक काम कर रहे हो, प्रसाद लेना पुत्र, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद जी जी आशीर्वाद। उर्वंश इंसान पुत्र हीना मर्दानी भक्त वीरांगना, उम्र 5 साल, ने रोलर स्केटिंग की जिला प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, अब स्टेट खेलने जाना है जी। तो बच्चा यहाँ आया है जी, मानसा में है वो बच्चा। हाँ ये बेटा 2 गोल्ड जीत गया, शाबाश बेटा, शाबाश बच्चे। हाँ कैमरे की तरफ निगाह कर पुत्र, हाँ आशीर्वाद, और आगे बढ़ना बेटा, परमात्मा साथ है, वाहिगुरु नाल है पुत्र, हिम्मत करो, मालिक तुहानू ताकत देवे, अच्छा खाया पिया कर, पूरा जोर लाया कर। सो मूवमेंट जिन्ने भी फास्ट होना अच्छी गल, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। वो कॉपी बेटा, तो प्यारी सत्संग जी, कल आपको नशे की मुहिम का एक नाम दिया था, तो थोड़ा सा उसमें चेंज है, थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि वहां सोचा हमने तो एक दो चीजें ऐड की हैं, है वही डेफ्थ जो नाम रखा था, तो आज आपको वो बता रहे हैं जी। तो ये है जी, ड्रग इरिडिक्शन पैन इंडिया थ्रू हेल्थ एंड मेडिटेशन, ध्यान योग व स्वास्थ्य द्वारा अखिल भारतीय नशा मुक्ति अभियान, डेफ्थ कंपेन इसका नाम दिया, डेफ्थ कंपेन। सो ये आप लोग ध्यान रखना जी, कल में थोड़ा सा चेंज किया गया है, और हम चाहेंगे कि अगर आप ये बना के दे दें इंग्लिश में और हिंदी में, तो हम उसको जिस भी प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, इंस्टाग्राम या उससे कर देंगे और साध संगत को पहुंच जाएगा, या आश्रम के उससे भी कर सकते हैं, बिटिया वाले से भी कर सकते हैं, तो आप तक जरूर आएगा, ताकि पूरी तरह से आप उसे ध्यान में रख लें। सो ये सबको आशीर्वाद, तो ये ध्यान में था वो आपको बताया, तो आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जियो, अब लंगर भोजन आपने ले लेना है, जो वैसे भी जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे वो भी खाना ले लेना, जो भी है आपने रखा है प्रसाद के लिए, प्रसाद बन गया, लंगर भोजन लेना, फिर आराम से जाना है। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब थोड़ा समय सत्संग, इस तरह बैठे रहना है, सजे रहना है, फिर जैसा आपका विचार।